कोई एडिटोरियल नहीं है इस टैग में और दीस फाइव बुक्स तो फाइव बुक्स हैं इनका कुछ थिकनेस हुआ होगा और पांच किताबों की टोटल थिकनेस ठीक है ये देखो दीज आर द फाइव बुक्स इसके ऊपर फाइव शीट्स भी रखी हैं वन शीट पेपर उसका कुछ थिकनेस फिर एक और शीट उसका भी कुछ थिकनेस थर्ड शीट्स का थिकनेस फोर्थ शीट का थिकनेस और फिफ्थ शीट का तो फाइव तो शीट्स हो गई और फाइव बुक्स कह रहा है टोटल थिकनेस बताओ बताओ एक बुक की थिकनेस क्या है फाइव बुक्स सो थिकनेस ऑफ वन बुक इट इज 20 mm थिकनेस ऑफ फाइव बुक बोलो सर 20 × 5 सही है 20 × 5 दैट इज 100 mm अब थिकनेस फाइव पेपर शीट थिकनेस ऑफ वन पेपर बताओ थिकनेस ऑफ वन पेपर 0.016 mm और थिकनेस ऑफ फाइव पेपर पांच पेपर है तो 0.016 × 5 तो 5, 6 या 30, 5, 1 is 5, 3, 8, 0 और 0. कितने mm सो टोटल थिकनेस क्या हुई इट इज 100 mm और प्लस इसमें प्लस करो तो 100 mm है ना और 0.080 mm दोनों को यहाँ जोड़ दो ऐसे जोड़ देना है ना तो चूंकि यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो मैंने अपने मन से डेसिमल लगा दिया क्योंकि जोड़ने में अलाइन करना पड़ेगा ना डेसिमल तभी तो कर पाओगी तो 100.08 mm सो एक टोटल थिकनेस हो जाएगी व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन सर नई वीडियो यही हाँ यही दे दो इनवर्स प्रोपोर्शन चलो जैसे कि अगर मान लीजिए इफ वी परचेज मोर पैकेट ऑफ शुगर बहुत सारी शुगर ने एक एक किलो की तो क्या जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट वो बढ़ेगी कम होगी टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है अगर ज्यादा शुगर लोगे तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे सीधी सी बात तो ऐसे प्रोपोर्शन को कि एक चीज को बढ़ाने से दूसरी भी बढ़े इफ वन इंक्रीजेस इफ नंबर ऑफ पैकेट इंक्रीजेस देन कॉस्ट ऑफ शुगर आल्सो रेट नहीं इंक्रीज करेगा लेकिन कॉस्ट तो इंक्रीज करेगी कि तुम पैसा कितना दे रहे हो सो इट इज ए केस ऑफ ये कैसा केस है इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन इतनी बात हो गई अब जरा देखें कि इफ और कोई चीज देखो कि इफ टाइम मान लो जैसे इफ स्पीड ऑफ व्हीकल इंक्रीजेस Then, time taken to reach school. इस सेंटेंस को पूरा करो रिद्धि अगर तुम्हारे पापा ने स्कूटी की स्पीड बढ़ा दी तो स्कूल पहुंचने का समय भी बढ़ जाएगा डिक्रीज हो जाएगा तो एक चीज बढ़ाने से अगर दूसरी घटे तो वो किसका केस होगा डायरेक्ट का कि इनवर्स का तो ये डिक्रीज हो गई decreases this is case of inverse proportion मान लीजिए तुम्हारे घर में worker लगे हुए हैं if number of workers increase तो तुम्हारा घर देर में बनेगा कि जल्दी बनेगा जल्दी
So if number of workers increases, then time taken to complete house decreases. तो ये किसका केस हुआ? If number of workers increases, then time to complete job क्या होगा? Job ये decreases हो जाएगा. This is case of inverse proportion. अब जरा देखें कि direct proportion, जरा direct proportion के नीचे वाली line तो पढ़िए क्या लिखी है इससे. Direct proportion एक heading लिखी है. Proportion पहली line पढ़ो. वन के जी शुगर कितना है बोलो? सो कॉस्ट ऑफ वन के जी शुगर ₹36. तो इससे क्या पता चल रहा है कि मान लीजिए आपने क्या किया कि वेट, ये तो बात हो गई कॉस्ट की. अगर तुम ज्यादा शुगर लोगे तो तुम्हें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे क्या? ये देखो, अगर हम लें कि वेट ऑफ शुगर और दूसरा लिखो कॉस्ट, तो कॉस्ट को तो तुम रुपी में लोगे, शुगर के वेट को किस में लोगे? केजी में. तो मुझे बताओ 1 kg शुगर का दाम कितना होगा? 36 रुपीज. इस चीज को ले लो x और इस चीज को लिख लो y. ठीक है, अब देखिए कि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगे तो उसमें क्या होता है, ये देखो इसका मतलब है कि कॉस्ट किसके प्रोपोर्शनल है बोलो? वेट के. बताइए, वेट ज्यादा हुआ तो भी बढ़ जाएगा. कॉस्ट को तुमने क्या वाई लिया और इसे क्या लिया है? तो वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स. सही है. अब जरा देखो वाई एक्स के प्रोपोर्शनल है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे अगर इज इक्वल टू कर दिया जाए तो दैट इज इक्वल टू. मेरा कहने का मतलब है कि जो कॉस्ट है वो प्रोपोर्शनल किसके है? वेट के है. तो अगर मैं आपसे कोई पूछे भैया हम इसे इज इक्वल टू करना चाहते हैं, तो तुम उससे कहोगे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाने के बाद अगर इज इक्वल टू करना चाहते हो तो तुम लिख देना 36 into weight. वो बता देगा कि किसी ना किसी चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अगर तुम कहोगे हमें 1 kg चाहिए तो कहेगा लाओ 36 रुपीज, ले लेगा कि नहीं? तो कॉस्ट कितनी हो गई बोलो? अब तुमसे तुम कहोगे हमें 2 kg शुगर दे दो तो वो हर बार 36 का मल्टीप्लाई करेगा. सही है. तो जब प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनल का मतलब ज्यादा लोगे तो ज्यादा पैसे देने, लेकिन उस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटाने के लिए आपको एक कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट तो जोड़ना पड़ेगा ना रिलेट करने के लिए. तो तुम इसे क्या लिख सकते हो? वाई इज इक्वल टू के एक्स. तो अब तुम अगर y1 हुआ, सुनो, अगर x1 हुआ तो क्या रेट y1 होगा? अभी बताया 1 kg लोगे तो कुछ और रेट होगा, 2 kg लोगे तो कुछ और रेट होगा. तो बोलो अगर x2 हुआ तो तुमने x2 kg लिया तब रेट कितना हो जाएगा y2. सही. फिर से देखो इससे तुम्हें क्या पता चलता है बताओ? क्या y1 by x1, दिव्या x1 नीचे ले आओ तो क्या उधर k बचा? इधर भी बताओ y2 by x2 कर दो तो क्या उधर भी k बचा? देख लो अभी बता रहे हैं k एक कांस्टेंट है. फिर से समझो, 1 kg का दाम बताओ, 2 kg का बताइए, 3 kg का 108. अब जरा देखो इसे लिखो x1, इसे लिखो x2 और इसे लिखो x3, इसे लिखो y1 और y2 और y3.
तो अब तुम मुझे बताओ यहाँ y1 by ये यहाँ बताओ y1 by x1 की वैल्यू क्या है, जरा देख के बताना y1 by x1 कितना है। देख लो y1 36 है, 36 आ जाएगा। अब मुझे बताओ y2 upon x2 क्या है। 72 नहीं आप बताइए, मंगल बताएं, सभी लोग बताएं जो मंगल बताएं, बोलो कितना लिखे। 36 और बोलो y3 upon x3 कितना है। 108 upon 3 क्या वो भी 36 होगा। अच्छा करो डिवाइड करके, इससे क्या पता चल जाए जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस हैं, तो क्या उसमें y1 upon x1 की जो वैल्यू है क्या वही y2 upon x2 की वैल्यू है, और क्या वही y3 upon x3 की भी वही वैल्यू है, या इसको पलट के भी देखोगे तो भी वही आएगा। तो इसको पलट लो, इन्वर्ट कर लो, तो भी तो इक्वल ही रहेगा ना, इक्वल चीज। अगर मैं कहूँ कि 2 by 5 के इक्वल और 2 by 5 के इक्वल, तो क्या पलट देने से भी वो इक्वल होगा। तो इसको पलट दोगे तो भी क्या वो इक्वल ही होगा, इक्वल चीज तो इक्वल होगी अलटने या पलटने से। तो फिर ये क्या हो जाएगा बोलो, x1 by y1 is equals to x2 by y2 is equals to x3 by y3। मेरा कहने का मतलब है डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, पूरा चैप्टर निकालने की सीधी सी चीज बता रहा हूँ, उसके आगे चैप्टर कुछ है नहीं। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन आए तो तुम लिखना x1 by y1 is equals to x2 by y2। देखो यहाँ ही वाला बता रहा हूँ, is equal to x2 by y2, ये किसका फार्मूला हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और जब तुम्हें पूछा जाए इनवर्स का, तब तुम उल्टा लिख देना y2 by x2, एक तरफ पलट है ना, वो भी मैं समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं, बात समझाई, वो मैं बताऊंगा अभी, इसके बारे में छोड़ो, लेकिन यही पूरा चैप्टर। डायरेक्ट में x1 by y1 जो इनका इनका रेशो है वही इनका इनका, ये तो तुमने देखा, खुद ही बताया तुमने, सही है। तो कोई भी सवाल डायरेक्ट प्रोपोर्शन का करना हो यही फार्मूले से। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं, तुम्हें ये फार्मूला चाहिए तो तुम यहाँ देख सकते हो, पढ़ो पढ़ो, यहाँ लिखा कहीं k का मतलब है वही 36, y = 36x। वही कि कितने से मल्टीप्लाई करें, ये एक वो मल्टी वो रेट है एक तरीके, कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू वेट करते हो तो रेट ही के है ना, और कोई बात नहीं। अब हर एक चीज का अलग अलग रेट है, गेहूं का अलग रेट है तो उसकी के की अलग वैल्यू। अब देखिए अब हम एग्जांपल वन करें, चलो ये कॉन्स्टेंट तो सब तुम्हें इससे समझ में आ गया ना, this by this, a1 by 36, a1 by 36, देख लो करके, आई रहा, 1 by 36, आई रहा ही नहीं भी, तो उसी से तो आया, x1 by y1 is x2 by y1, same ही आया, नहीं, x1 by y1, 1 by 36, x2 by y2, वो भी तो 1 by 36 है, 2 से कट जाएगा, x3 by y3, वो भी 1 by 36, सही है, चलो, एग्जाम्पल वन देखो, कॉस्ट ऑफ फाइव मीटर ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ इज 210। पांच मीटर तो का यहां पर कॉस्ट दिया है, पांच मीटर क्लॉथ, तो लिखो लेंथ इन मीटर, लेंथ इन मीटर, अब कॉस्ट किसमें लिखा रहेगा, इन रुपीस, इसे लिखो x और इसे क्या लिखोगे y, y और इसके बाद बना लो, बताओ 1 मीटर का कितना कॉस्ट दिया, 5 मीटर का दिया ना, 5 मीटर का 210 और पूछ कितने कितने का रहा है, 2 का, 4 का, 10 का और 13 का, चार चीज का पूछा है, तो इन सभी को तुम कुछ भी मान लो, इसे मान लो x1, x ही तो चल रहा है, x2, x3,
X4 और X5 सही है। अब देखो 5 का दे रहा है और से देखो Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 इतनी बात तृप्ति तुमको समझ में आ गई, वही चीज लिखी जो यहाँ। अब देखो तुम लिखोगी X1 by Y1 is equals to X2 by Y2, that is length and cost are directly proportional. If length increases, then the cost of cloth also increases. So, लिख सकते हैं, this is a case of किसका है? Direct proportion. इसलिए अब मुझे फरीहा तुम ये बता दो मैं लिखूं क्या क्या, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। इसमें वैल्यू प्लेस करना, वो तो मैंने लिख दिया है, वैल्यू कैसे? 5 by 2 10 सही, यही चीज लिखी है मैंने, दैट इज 2 by। अब इससे देखो इसका ऊपर मल्टीप्लायर, इसका इधर नीचे की चीज कहाँ चली जाती है? दूसरी तरफ ऊपर चली जाती है। तो बोलो 5 by 2 कितना हुआ? इसका इसे मल्टीप्लाई करो 210 में 2 का, ये भी तो ऊपर गया, यहाँ का नीचे इधर ऊपर गया, ये समझ आया? और यहाँ का ऊपर चला गया, तो बताओ Y2 कितना हुआ? इनका मल्टीप्लाई करो 420 अपॉन 5 से कट करो 5 by 40, तो इसकी अब इसकी जगह क्या लिख लो? 54। फिर से देखो, आप तुम X1 by Y1 को श्रेयस, अब इसको इसके करो, पहले इससे इसको किया था सर, X2 upon Y2 को अगर वैल्यू तो X3 को नहीं कर सकते, कर सकते हैं, उससे भी कर सकते, किसी से किसी को भी कर, जैसे कर तो तुम किसी से किसी को भी सकते। चलो उससे ये दिक्कत होगी ना, तुम्हारा मान लो एक आंसर गलत आ गया तो फिर तुम्हारे सारे ही गलत आ जाएंगे, क्योंकि तुम गलत से गलत को निकाल रही हो, ऐसे में बच जाओगी। मेन से करोगी तो एक गलत होने के बाद अगले तो सही हो सकते हैं कि नहीं, नहीं तो एक ही गलत आ गया तो सब गलत ही गलत निकालोगे नहीं। चलो तो अब श्रेयस इस पे हमें बताएंगे, यहाँ क्या लिखें बताओ, बोलो X2 upon Y। हाँ आप भी बताओ सर, X1 upon Y1 is equals to X3 upon Y2। इन्होंने अच्छा बता दिया, क्योंकि बोलना X2 Y2 तो निकल ही गया, बार बार उसे क्या निकालना, बोर हो जाएंगे, ऐसा ही कह रहा। हाँ वैल्यू भी बताओ कितना आएगा? 42 कितना आया सर? 168 यहाँ लिखो, 168 रुपी का कपड़ा मिलेगा। अब आगे की बात श्रद्धा बताएंगी, चलो बताओ आगे का काम करो, बताओ सही वैल्यू प्लेस कराओ, पावर पावर को आगे बोलो, तो Y4 कितना हुआ? 5 से कट करो इसको, कितना आएगा? 42। तो ये बोलो 10 मीटर कपड़े का दाम कितना है? 420 रुपीज। इतनी बात हो गई। दिव्यांश आगे का बात बताओ, X1 by Y1 is equal to X5 by Y5 value press कराइए 5 by 210 is equal to
13 बाय हाँ ठीक है y 5 अब इससे क्या आगे पता चला जरा मल्टीप्लाई करो बता ये नीचे किसी ऊपर का दी ना इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुणन विधि बोलो क्या लिखा ये इधर ऊपर ले जाओ ये इधर ले जाओ ना बता दो तो मैं तो ले ही जाऊंगा तो बस बोल दो तुम बोल दो कि ले जाना मैं तो ले ही जाऊंगा लेके जा सर पाइप से इसको कट करो ठीक है नाउ 546 चलो अब एग्जांपल टू देखो इस चैप्टर के सारे सवाल वैसे ही हो जाएंगे पहली एक्सरसाइज वैसे की जाएगी चलो नाउ सब लोग ध्यान से सुनिएगा ये एग्जांपल टू गौरव बता रहे हैं क्योंकि सिंसियर हो गए An electric pole 14 meter high casts a shadow of 10 meter. ये देखो 14 meter का pole है और इसकी shadow कितनी बन रही है 10 meter और ये है 14 meter का तो मान लीजिए यहाँ sun है तो sun की वजह से इसकी shadow बनी ऐसा अब देखो that is height of object इसको हमने लिया है in meters और हाइट ऑफ शेड लेंथ ऑफ शेडो लेंथ ऑफ शेडो भी मीटर में है एक चीज को एक्स लिया जाए और एक को वाई जब 14 मीटर इसकी लेंथ होती है तो शेडो बनती है 10 की अगर शेडो 15 की बन रही है तो इसको ले लो एक्स तुम्हारी मर्जी है तुम चाहे तो इसे x1 y1 लो और इसे क्या लो x2 y2 तो तुम्हें ये निकाला सही बात तो सही ना जैसे नहीं वो पूछ रहा है कि समझो चीज को अभी बताना है कि if length of pole increases then the length of shadow increases समझ आई निपुण की छाया लंबी बनेगी मान लो कोई छोटा मोटा खड़ा हो तो उसकी छाया छोटी बनेगी तो इफ लेंथ इंक्रीजेस देन द लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजेस सही है तो ये किसका केस हुआ ठीक है तो इसका क्या मतलब है इफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एक्स वन के नीचे वाई वन इंक्रीजेस तो क्या होगा देन लेंथ ऑफ इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस देन लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजेस तो ये किसका केस हो गया डायरेक्ट दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन अब आगे की चीज गौरव बताएंगे गौरव नहीं बता पाएंगे तो अभिश बताएंगे पहले बोलो एक्स वन बाय वाई वन इक्वल टू एक्स टू और नीचे आएगा 15 दे रखा है ना या वाई टू आएगा वाई टू आएगा पहले फार्मूला लिखा जाएगा आप बोलो हाँ नीचे 14 बाय 10 एक्स टू 15 अब किया तो कल से 15 और 14 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 14 इनटू 15 और x2 तो 10 इनटू x2 ये चीज वहां चली गई है यहां चली गई तुमको x2 चाहिए तो x2 के पास की चीज यहां नीचे ले आ तो क्या होगा 14 इनटू 15 बाय 10 इन दोनों को 5 से कट करो आज कट किया 10 2 3
टू से इसे कट करो, टू सेवन सेवन थ्री ट्वेंटी वन मीटर। इसे गौरव कंक्लूड करो। कंक्लूड कैसे? कंक्लूडिंग स्टेटमेंट तो दो। If the height of Avish, hence the height of the object is 21 meters. सही है। Hence the height of example one में direct और inverse कैसे? Example one में indirect है क्योंकि इसके length बढ़ने से पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे तुम 5 मीटर कपड़ा लो उससे 210 रुपए लो, उसे कहना भाई 10 मीटर कपड़ा देना और 10 मीटर कपड़ा दे के उसको 20 रुपए पकड़ा दो। कहेगा ये क्या कर रहे हो, कपड़ा ज्यादा ले रहे हो 20 रुपए दे रहे हो। तो कहते हो सर इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, ज्यादा कपड़ा लेंगे तो कम ही तो पैसा होगा, तो फिर चप्पल निकालेगा और वही समझ में आ जाएगा डायरेक्ट क्या और इनवर्स क्या। तुम ज्यादा कपड़ा लो और उसे कम पैसा दे के दिखाओ और वो पढ़ा लिखा ना भी हो तब भी ज्यादा कपड़ा लेके कम पैसा दो, वो तुमको समझा देगा अच्छे से डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या था। तो ज्यादा कपड़ा लोगे, समझ आई बात? तो दिस इज केस, समझो इस बात। इफ यू इंक्रीजिंग वन ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ क्वांटिटी देन अदर आल्सो इंक्रीजेस, देन दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। समझ आई? इफ एक्स इंक्रीजेस देन वाई आल्सो इंक्रीजेस, तुम यहां लिख सकते हो If x increases, then y also increases. So this is a case of direct proportion. ऐसा लिखना चाहिए था, हमने लिखा नहीं। अब तुम्हें समझ आई बात? यहाँ हमने लिखा है, ऐसे यहाँ हर एक में लिखना है। क्या लिखोगे बोलो? If x increases, then y also increases. अगर तुम अविश ऐसा नहीं लिखना चाहो, तो y is proportional to x. वो भी बहुत क्लियर है ये तो। x के बढ़ने से y बढ़ेगी। हाइट ऑफ पोल कितनी हो गई? 21 मीटर। अगला सवाल देखें कि आगे बढ़ें। देखो 12 शीट 40 ग्राम की है तो 2.5 किलो शीट खरीद के लाए हैं तो उसका कितना ग्राम होगा? क्या ज्यादा शीट्स होंगी तो ज्यादा ग्राम की होगी? जितना ज्यादा वजन होगा शीट्स का तो क्या उसका वजन भी बढ़ेगा। इफ नंबर ऑफ शीट्स इंक्रीजेस देन देयर वेट इज आल्सो इंक्रीजेस, हेंस इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इस चीज को हमें लिखना होगा कि कोई चीज को इफ नंबर ऑफ शीट्स इंक्रीजेस देन, गौरव आगे का सेंटेंस तो बोलो, बताओ। इफ बोलो, इफ number of sheets increases then the number of sheets weight of sheets is also increases। मोटा है तो दिमाग भी मोटा होना मेरा। अगर मोटा आदमी हो दिमाग पतला तो ये किसका केस हुआ? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही हुआ। अब मोटा आदमी हो दिमाग भी मोटा, सही बताया, सही चीज बताई। इफ नंबर ऑफ शीट्स इंक्रीजेस देन देयर वेट also increases. It is the case of direct proportion. Direct proportion. अब उसी चीज को लिखो जो कहा जा रहा है। Number of sheets and weight in gram. देखो number of sheets or weight in gram, इसे लिखो x, इसे लिखो y। तो अब आगे बढ़ जाओ कि 10 sheets 12 sheets हैं 40 ग्राम की। अच्छा ये 2.5 किलो वजन हो गया शीट्स का, तो अब इसमें बताओ निपुण 2.5 किलो वजन है, हमें तो ग्राम में लिखना, तुम ग्राम में कैसे करें? बोला है वजन 2.5 किलो, मल्टीप्लाई कर दो। किससे?
अगर तुमने थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया यही ग्राम भी लिखना है तो अब इसे टू से कट करो 500। वैसे भी तुमको मालूम है ढाई किलो होगा 2500 ग्राम ही होगा, ये रोज का केस है। तो इसमें यहाँ क्या लिख दें, सही है, ये चीज हमें पता नहीं है, इसे एक्स वन लिखो और इसे एक्स टू लिखो और इसे वाई टू। इतनी बात समझ आ गई। चलो प्रियांशु बताओ क्या किया जाए। आगे तो बताओ। 12 × 2500 × 40 को कहीं ले ही नहीं जाना, कितना अच्छा काम किया। बोले सर 40 को मत ले जाओ, एक्स टू तो फ्री हो ही रहा। नहीं, इसको यहाँ ले लिया, काम बन गया। जीरो से जीरो कटा और देखो फोर से इसे काटो, थ्री थ्री से मल्टीप्लाई करो, 750 आ गया। एक्स टू तृप्ति कंक्लूड करो। बताती नहीं दिव्या, तुम बताओ। हेलो बताओ। हिंट्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ बोर्ड रुक जाते बोलते बोलते। हाँ बोलो। तो हेंस द नंबर ऑफ शीट्स आर 750। हाँ, वेट से क्या लेना, शीट्स पूछा जा रहा है, तुम वेट पे आ गए, वेट तो दिए क्या। हेंस दैट इज 750 शीट्स, ये क्या करेंगे, वेट 2500 ग्राम, ये पूछा गया, वही बताओ। नहीं, अब देखिए, अगला क्वेश्चन देखो, दैट इज एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन, और आपको ये पता करना है कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। आपको प्राइमा फेसी देखने में क्या लगता है, प्रथम दृश्य ये डायरेक्ट का होगा कि इनवर्स का लग रहा है, इनवर्स, ये ठीक कह रहा है, क्योंकि जैसे जैसे घंटे बढ़ते जा रहे हैं पार्किंग का चार्ज इनका घटता जा रहा है। कौन सा है वो पार्किंग लॉट, मुझे बताओ। रेलवे स्टेशन का पार्किंग, ज्यादा घंटे के लिए गाड़ी खड़ी करें कम पैसा ले रहे हैं। समझो इस चीज को, क्या कह रहा है, एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन, अच्छा बताओ कि टाइम ऑफ पार्किंग ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इन आवर्स और दैट इज पार्किंग का पैसा, पार्किंग चार्जेस। अगर तुमने अपना स्कूटर चार घंटे के लिए खड़ा किया तो तुमसे 60 रुपए लेगा, लेकिन अगर तुम उसे पूरे दिन खड़ा कर दो 8 घंटे तो 100 रुपए लेगा। आपने 12 घंटे खड़ा कर दिया तो 140 और अगर आपने 24 घंटे 180 ऐसा वहां का रेट है। तो आपको देखने से क्या लगता है, क्या x बढ़ने से y बढ़ भी रहा है कि घटता जा रहा है। तो बढ़ रहा है तो ये एक ऐसा केस हुआ, x1 y1 x2 y2 x3 y3 y3 अगर सबका रेशो सेम आ जाए तो ये अनाउंस कर देना कि ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो सबसे पहले मैं x1 / y1 तो निकालूं, तो क्या लगता है आपको, जरा 4 से डिवाइड करो, 4 1 इज 4 और 4 5 इज 1 / 15 आया। करो, क्या तुम्हें लगता है कि x2 / y2 भी 1 / 15 ही आएगा। जरा इन दोनों को 4 से कट तो करो, 4 टू द 8 और इसको भी 4 से कट करो, 4 टू द 8 और 25 बचा 25 तो 2 / 15 यहाँ तक के देखने से क्या लग रहा है सर, 2 / 25 25
तो क्या ये वैल्यू इसके इक्वल लग रही है? भाई कहाँ लग रही है? ये कट कहाँ से कर नहीं आप ये देखो ना, छह गुना टाइम बढ़ा, 4 से 24 कितना होता है? 4 6 या 24। अगर ऐसा ही करना होता तो 6 6 या 36 360 रुपए ना ले लेता। कहता कहेगा कि तुम डबल खड़ा कर रहे हो तो डबल पैसा दो। वहां पर भी कह रहा नहीं ज्यादा देर खड़ा करा, इतना कहां लोड देना, थोड़ा कम। नहीं तो 120 ले लेता डायरेक्ट होता। कहता डबल खड़ा किया डबल पैसा दो। कहां ले रहा? क्या तुमने डबल खड़ा किया तो क्या 120 रुपए ले रहा? नहीं नहीं ले रहा ना, तो थोड़ा तो छोड़ रहा ना तुम्हारे लिए। ये देखो एक दिन होटल में रहने जाते हो तो 4000 लेगा, पूरे महीने रहो तो 12000 से ऊपर कहीं किराया है पूरे भारत में। एक दिन होटल में 4000 ले लेता है। ऐसे सोचो 30 दिन रहे 120000 लो, क्या कर नहीं 12000 कोई लेता है 120000? नहीं लेता ना। चलो अगला सवाल देखो। A mixture of paint is prepared. देखो parts of red pigment और दूसरा parts of base। कभी तुमने देखा है कि पेंट में ये व्हाइट ही कलर होता है, उसी में सब मिलाया जाता है। तो तुम 4 लीटर का डब्बा लोगे तो ज्यादा रंग मिलाएगा। कलर मिक्सर होता है वो, थोड़ा सा नोजल खोलता है कलर डाल है ना, घूमता रहता है अलग अलग कलर अपने हिसाब से डाल के जैसा तुम चाहोगे कंप्यूटर से बना देगा। तो तुम ज्यादा बड़ा डिब्बा लोगे तो उसे ज्यादा कलर मिलाना पड़ेगा। जो कलर मिला रहे उसको पिगमेंट कहा गया। पढ़ो जरा पिगमेंट पढ़ो। और जो व्हाइट कलर उसे बेस कहा गया। पहला लिखो ना। तो इस तरीके से तुमने 8 लीटर लिया तो उसने 1 पार्ट मिला दिया। अच्छा बताओ कि अगर उसे 4 पार्ट मिलाना पड़ा कितनी, तो क्या 4 गुना पेंट भी लिया गया होगा? इसमें तो समझौता नहीं किया जा सकता, नहीं तो कलर ही बिगड़ जाएगा। अगर वो 4 गुना रेड मिला रहा है तो 4 गुना वो भी होना चाहिए पेंट जिसमें वो मिला रहा है। रंग मिलाने में अगर डबल रंग मिला होगा तो डबल क्वांटिटी भी चाहिए। इसी तरह से 7 के लिए क्या करना होगा? और नाउ दिस इज तुम्हारे अनुसार दिव्या, ये क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस होगा कि पार्टी की तरह ही होगा? हो सकता है। दैट इज एक्स वाई, देखो X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4 एंड X5 Y5। ओके तो आपको इस टेबल को पूरा करना है। इस टेबल को मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, बस एक सेंटेंस लिख के छोड़ दे रहा हूं कि दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फार्मूला लगाइए। पहले में 4 इंक्रीज हुआ, दूसरे में 3 इंक्रीज हुआ। उससे क्या लेना चौगुनी हो जाएगी, 7 गुनी की है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, सही है भाई। तुमने ये 12 गुनी की, ये भी 12 गुनी कर लो। ये अलग अलग कस्टमर है, जो कोई 7 लीटर पेंट लेने आ रहा है, कोई 4 लीटर, तुम उनको थोड़ी कहो। देखो अमाउंट आप अभी कराएंगे, इफ अमाउंट ऑफ पिगमेंट इंक्रीजेस देन अमाउंट ऑफ बेस भी क्या होगा? बेस increases. So this is a case of direct proportion. Now अब जरा देखो x1 by y1
is equals to x2 by y2 मौजूद वैल्यू प्लेस कराओ वैल्यू प्लेस करा सर 1 by 8 is equals to x root of 4 by y2 4 by y2 अब क्या करें बात नहीं करो इधर देखो श्रद्धा को डिस्टर्ब क्यों कर रहा हूँ इधर बताओ सर 1 by 2 is equal to 8 into 4 4 into 8 so final answer sir 32 32 इतने हो गए तो इसका मतलब क्या है कि पार्ट ऑफ ए से 32 पार्ट्स हो जाएगा ऐसे सारे कर लेना अगले में ऐसे ही कर लेना एक्स्ट्रा वाई में अपॉन वाई में ठीक है बोर्ड पे जब कराना होता है जैसे सब बच्चे कर लिए चार बैठे हैं तब बोर्ड पे बुलाया जाता है अभी दो करेंगे तो सब वेट करेंगे जैसे तुम लोग करती हो ना तो घिस घिस के धीरे धीरे लिखती हो तो ये लोग बैठे रहते हैं तुरंत बोर्ड पे बुलाते हैं टाइम का यूटिलाइजेशन होना चाहिए तो ऐसे नहीं कि बाकी देख रहे हैं दो कर रहे हैं ये लोग करके बैठे हुए हैं चलो बोर्ड पे आओ अब तुम पहले कर लिया करो जब दें सर प्लीज तुरंत तुम तो किस किस के कर रही हो नाम लिख के देनी नाम लिखना भी आर्ट है पता चला सिंडे गुंडे लिख रहा अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सुनिए क्वेश्चन नंबर 3 बातें करो That is one part of red pigment को 75 ml base चाहिए तो how much red pigment will be mixed? अब अगला क्वेश्चन देखिए One part of red pigment क्या लिखा है One part of red pigment needs 75 ml base अब This part of red pigment needs क्या लिखा है क्वेश्चन में 1800 ml base हाँ यही सवाल यही क्वेश्चन है कि कितने रेड पिगमेंट को कितना चाहिए यही सवाल लगाओ अब मंगल करेंगे x1 by y1 is equals to x2 by y2 का यही सवाल है यही है यही है उसी को ही तो बोला उसने देखो क्वेश्चन वन बाई बताई नहीं रहे कौन बताएगा निकुल ना बताओ आजकल थोड़ा धार कम हो रही आप बोलो दीदी लिखा है सवाल सामने पता नहीं कहाँ से देख रहे हैं कहाँ से बोल रहे हैं वन बाई यहाँ सब लिखा था कि वन पार्ट को 75 चाहिए नहीं कहाँ से देख लिया और बोलो हाँ सही है कि नहीं यहाँ लिखा है ना वन पार्ट रेड के साथ 75 एमएल बेस सवाल बदल दिया गया केस वही है बस वो कह रहा है अब इसके लिए इतना चाहिए तो अब x2 के बारे में बताओ 1800 वहां चला जाएगा और अपॉन 75 इट इज इक्वल टू x2 जरा इसको 15 से कट तो करो मंगल नीचे 5 ऊपर 15 1500 ओके अब जरा देखिए 1 2 3 क्वेश्चन करो वन में तुम्हें ये बताना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस नहीं है दोनों निकाल लो किसी भी दो को निकाल दो ऊपर सर ये ऊपर वाले तो बने छोड़ देना